Good morning, students. Today we will discuss about the function in C++. Now, if we talk about the function, अगर हम function की बात करें, तो function is a collection of statements that perform some specific task as per the user requirements and return the result to the caller. यानी कि function क्या है? आपके पास collection of group of statements हैं, जो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि आपकी यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। यूजर की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट में कंबाइन करेंगे और उसको जब चाहे तभी हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। वो हमारा कहलाता है फंक्शन। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी फंक्शन आप कॉल करेंगे, आपको ज़रूरत होगी तो वो फंक्शन जो वैल्यू है वो वापस रिटर्न करके आपको जहाँ से कॉल किया गया वहाँ पर वो रिटर्न कर देगा। बेसिकली फंक्शन का अपना पर्पस ये है कि हम कोड को रीयूज कर सकते हैं विदाउट रीटाइपिंग द कोड। यानी कि से सपोज आपके पास से सपोज आपके पास 10 लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट हैं जिसे आप 10 बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कितने स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? अप्रॉक्सीमेट 100 स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 10 स्टेटमेंट 10 बार यूज कराओगे। अच्छा, यही चीज हमने क्या किया, 10 स्टेटमेंट्स को हमने एक सिंगल फंक्शन में कंबाइन कर लिया। अब इस फंक्शन को हम 10 जगह कॉल कराएंगे, तो हमारे पास ये 10 लाइन ऑफ स्टेटमेंट हो गई और वो 10 बार कॉलिंग हमने की। अब ये कितने लाइंस हो गई? टोटल 20 लाइंस। यानी कि आपका एक तो कोड यूज हो रहा है और आपको दोबारा टाइप भी नहीं करना पड़ रहा। अच्छा, इससे हमारे पास हेल्प क्या होती है? हमारा टाइम सेव होता है, ठीक है, और कोड को रीयूज करते हैं बिना किसी रीटाइपिंग के। अब जब एक कोड आप बार बार नहीं लिख रहे हैं तो उससे क्या हुआ, रिडंडेंसी भी रिड्यूस हो गई। प्रोवाइड द एब्स्ट्रैक्शन, मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन में बताया था, द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल डिटेल विदाउट रिप्रेजेंटिंग द बैकग्राउंड डिटेल। अब आप अपने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को आपने अपने सिंगल यूनिट में कंबाइन कर लिया है। जस्ट आप क्या करेंगे, केवल उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसकी जो इंटरनल डिटेल है वो आप क्या हुई, वो हाइड हो गई। अच्छा, बेसिकली हमारे फंक्शंस C++ में दो टाइप के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन एंड अनदर इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड लैंग्वेज के साथ आते हैं, जस्ट हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं और उस फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो हमारे यूजर की नीड के अकॉर्डिंग वो हमें ऑपरेशंस परफॉर्म कराने होते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक छोटा सा फंक्शन का मैंने ये एग्जाम्पल ले रखा है कि अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है, एक फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, और ये मेन में इस फंक्शन को कॉल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कंट्रोल जब भी इसको कॉल करेंगे तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस फंक्शन पे जाएगा। फंक्शन से एग्जीक्यूट होने के बाद वो वापस कंट्रोल उस फंक्शन के बाद आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, यानी कि कंट्रोल आपका फ्रॉम मेन टू फंक्शन कैसे ट्रांसफर होता है ये दिखाया गया है। अच्छा, इसमें भी वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि हम लोग यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। यानी कि जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो वो कंट्रोल फंक्शन के पास जाता है, वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वापस या तो फंक्शन खत्म हो जाए तब कंट्रोल आता है वापस मेन में, या हम कोई रिटर्न स्टेटमेंट अगर यूज कर रहे हो तो रिटर्न स्टेटमेंट जैसे यूज करेंगे तो वो वहाँ से जो वैल्यू है वो क्या करेगा, इस फंक्शन को वापस रिटर्न करेगा। चूंकि वहाँ से वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है तो कोई ना कोई एक वेरिएबल लेंगे जिसमें क्या करेगा, जब भी ये फंक्शन कॉल करेगा तो उससे जो वैल्यू रिटर्न आएगी तो किसमें जाके स्टोर हो जाएगी, इस सम में। जस्ट एग्जांपल है, अभी हम आगे देखेंगे कि ये कैसे परफॉर्म करता है। नाउ फंक्शन डेफिनेशन, देखिए जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करेंगे तो उससे पहले हमें उस फंक्शन की डेफिनेशन देनी होगी। जैसे हम लोग कोई भी फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन, यानी कि जो डिफाइन होती है जहाँ पे, उस हेडर फाइल को हमें इंक्लूड करना पड़ता है। इसलिए जब भी हम फंक्शन अपना बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये डेफिनेशन क्या प्रोवाइड करता है कि उसका नाम क्या है फंक्शन का, ठीक है, फंक्शन कितने पैरामीटर ले रहा है, उसके डेटा टाइप क्या है और उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है। अगर हम इसको देखें, दिस इज द सिंटैक्स। जब भी आप डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, फंक्शन कोई वैल्यू तो नहीं रिटर्न कर रहा, नेम ऑफ द फंक्शन, उस फंक्शन का नाम क्या है, क्या वो फंक्शन किसी वैल्यू पर डिपेंड है, यानी कि कोई वैल्यू पास की जा रही है उस फंक्शन में, दैट इज आर्ग्यूमेंट लिस्ट। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उन स्टेटमेंट्स को देंगे जो हमें एग्जीक्यूट कराने। और फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम लोग किस स्टेटमेंट का यूज करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे, दैट इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। ये देखिए, दिस इज द रिटर्न टाइप, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। इसमें हम कोई वैल्यू नहीं पास कर रहे तो हम वॉइड भी दे सकते हैं, एंड ये बॉडी ऑफ द फंक्शन है, ठीक है। और ये देखिए, ये इसका रिटर्न टाइप है, फंक्शन नेम है, पैरामीटर है, कोई पैरामीटर नहीं पास करे तो वाइड दे सकते हैं। और ध्यान रखिए कभी भी सेमीकोलन मत लगाइएगा फंक्शन की डेफिनेशन में। फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप बेसिकली एक फंक्शन का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंपाइलर को, जो इंफॉर्मेशन होती है फंक्शन के नाम की, नंबर ऑफ पैरामीटर जो फंक्शन लेता है, डेटा टाइप कौन से उस पैरामीटर के हैं, और रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। यानी कि अगर आप देखें, अगर इसका एग्जाम्पल पीछे वाला, तो ये जो आप इसकी हेडर लाइन देख रहे हैं फंक्शन की, ये आपकी क्या कहलाएगी, फंक्शन प्रोटोटाइप, क्योंकि ये क्या बता रहा है, रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट। अब इसी को देखते हैं हम लोग। ये देखिए सिंटेक्स क्या है, सिंपली रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपके पास टाइप्स ऑफ पैरामीटर, यानी कि हम पैरामीटर को जो इसमें पास होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला एक्चुअल पैरामीटर, जब हम फंक्शन को कॉलिंग करते हैं उस समय जो वैल्यू पास करते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे, जो पैरामीटर पास करते हैं वो कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर, जो फंक्शन की हम लोग डेफिनेशन देते हैं कॉलिंग करते वक्त, उस डेफिनेशन में जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, दैट इज वो आर्ग्यूमेंट जो हम कॉलिंग करते वक्त जो पास करते हैं, और ये डेफिनेशन में वो रिसीव करते हैं, दैट इज जो वो पैरामीटर हम जो डिफाइन कर रहे हैं डेफिनेशन में, वो हमारे कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। एग्जांपल अभी देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है। ये हमारा देखिए एक फंक्शन है सम नाम का, दो नंबर का सम करेगा। ये देखिए हमने एक फंक्शन बना रखा है जिसका नाम क्या है, सम। इसका रिटर्न टाइप क्या है, दैट इज int, यानी कि ये सम करके एक वैल्यू रिटर्न करेगा। और किसका सम करेगा, ये जो दो नंबर हम यहाँ से पास करेंगे, a एंड b। तो ये जो हेडर रो ऑफ द फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। ये केवल रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट एंड डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट बताता है कि कौन कौन से रिसीव करेगा। दूसरी बात, फिर हम इस फंक्शन को कॉल करना है तो सिंपली हम फंक्शन नेम और जो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं जितने टाइप के और उसका डेटा टाइप क्या है वो ध्यान रखिए मैच करना चाहिए, तो वो आर्गुमेंट हम पास करेंगे। तो ये हमारा कहलाता है फंक्शन कॉलिंग। चूंकि वहाँ से फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा, चूंकि यहाँ एंटी रिटर्न टाइप दे रखा है, तो उस वैल्यू को जब कंट्रोल वापस रिटर्न होगा तो एक वैल्यू रिटर्न होकर आएगी जिसको हमें किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। इसीलिए हमने इस फंक्शन कॉलिंग को किसी वेरिएबल के इक्वल करा रखा है, और जो वैल्यू आएगी उसको हम प्रिंट करा देंगे। ये देखिए फंक्शन डेफिनेशन है। इस फंक्शन डेफिनेशन में हमने वही रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन, आर्गुमेंट जो पास किए उनका डेटा टाइप वो दे दिया, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो कोड लिख दिया जो कि एक्चुअल में हमें परफॉर्म कराना है। तो हमें परफॉर्म कराना है कि दो वैल्यू जो हम पास करेंगे उसको सम करके वापस आपके प्रोग्राम में रिटर्न करनी है। तो सिंपली क्या हुआ, यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट यूज हुआ, ए प्लस बी का यूज करके हमने वैल्यू सम निकाल के वापस कंट्रोल यहाँ चला गया। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा, यानी कि कंट्रोल आपका कहाँ मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है और फिर यहाँ से एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल वापस यहाँ जा रहा है, यानी कि वैल्यू स्टोर कर रहा है रिजल्ट में, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास आर्गुमेंट है, जो हमारा ये एक्चुअल आर्गुमेंट है, एक सेकेंड, ये जो हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट है एक्स एंड वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास कहाँ चली जाएगी, ए में जाएगी, और वाई की किस में जाएगी, बी में जाएगी। यानी कि जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन की जो पैरामीटर की वैल्यू है वो करस्पॉन्डिंग पैरामीटर उसमें आर्गुमेंट में कॉलिंग डेफिनेशन में पास हो जाएगी। यानी कि एक्स की वैल्यू ए में चली जाएगी और वाई की वैल्यू बी में चली जाएगी। नाउ, अब ये तो था जस्ट एक एग्जांपल। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपना फंक्शन, अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन है, डिजाइन करना हो तो कैसे डिजाइन करेंगे। बेसिकली हमारे पास चार टाइप की कैटेगरी है फंक्शन डिफाइन करने की। इसमें हम लोग किस बेसिस पे करते हैं, आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप के बेसिस पे करते हैं। सबसे पहला है नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, यानी कि हम कोई वैल्यू भी नहीं पास कर रहे हैं और वहां से प्रोग्राम से रिटर्न भी नहीं ले रहे। इस आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूं आपको कि जैसे आप घर में हैं और आपके पापा ने कहा बेटा पढ़ाई कर लो, तो आपको एक फंक्शन उन्होंने एग्जीक्यूट करने के लिए कहा स्टडी का, तो आपने एग्जीक्यूट तो किया लेकिन उन्होंने कोई आर्गुमेंट तो दिया नहीं। उन्होंने तुम्हें कोई कॉपी किताब पेंसिल या इस टाइप की कोई भी आर्गुमेंट नहीं है जिसके बेसिस पे तुम काम कर रहे हो। तुमने तो बस अपना उन्होंने कहा और तुमने अपना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद तुमने उन्हें कोई रिटर्न भी नहीं दिया, यानी कि स्टडी करने के बाद तुम उन्हें ये नहीं उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हो या उन्हें कुछ रिटर्न में नहीं दे रहे हो कि सर ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है पापा, ऐसा कुछ नहीं कहते हो। यानी कि हम कोई भी वैल्यू ना ले रहे हैं फंक्शन में और ना ही हम दे रहे हैं वापस अपने प्रोग्राम में। ठीक है, इसी तरीके से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि जैसे घर में मेहमान आते हैं, तो मेहमान आते हैं तो आपके फादर कह देते हैं कि बेटा ये जाके जरा मिठाई लेके आओ, 100 रुपये लो और मिठाई लेके आओ। आप जाते हैं मिठाई लेके आते हैं और मिठाई क्या करते हैं वापस अपने पापा को देते हैं, पापा जी लीजिए मिठाई। यानी कि आपने 100 रुपये उन्होंने दिए एज एन आर्ग्यूमेंट, आपको कॉल किया कि मिठाई लानी है, दिस इज अ फंक्शन, और आपको 100 रुपये दिया एज एन आर्ग्यूमेंट कि आप इसके बेसिस मिठाई लाइए। यानी कि जो फंक्शन कॉलिंग हो रही है उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है, उसके बेसिस पे प्रोसेसिंग होगी। यानी कि आप मिठाई खरीदेंगे और मिठाई खरीदने के बाद आप क्या करेंगे, आप रिटर्न करेंगे अपने पापा को कि पापा जी ये लीजिए मिठाई। इसका मतलब क्या है कि आप एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप इस आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न के बेसिस पे फंक्शन आप डिजाइन कर सकते हैं जैसी जरूरत हो। एक छोटा सा एग्जांपल और लीजिए, आप घर में मेहमान आए हैं तो घर में मेहमान ने आपको कुछ शगुन दिया कि बेटा ये पैसे ले लो और इससे कुछ खा लेना। आपने वो सामान तो खरीदा, खुद खा लिया, क्या वापस आपने मेहमान को रिटर्न किया? नहीं किया। यानी कि नो रिटर्न बट आर्ग्यूमेंट है, यानी कि उस मेहमान ने जो आपको 100 रुपये एज एन आर्ग्यूमेंट दिए जिसका आपने यूज किया। तो यानी कि डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इस आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप के बेसिस पे आप कई टाइप के फंक्शन बना सकते हो। तो हम लोग 4 टाइप के फंक्शन बना सकते हैं, दैट इज अ नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। दूसरा है आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं पर रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तीसरा है आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं पर रिटर्न कर रहे हैं। चौथा है आर्ग्यूमेंट भी दे रहे हैं और उसका रिटर्न भी ले रहे हैं। रिटर्न पर्पस इसीलिए होता है कि हम अपने प्रोग्राम जो हमारा जो डेटा है वो आपके फंक्शन में प्रोसेस होकर वापस उसकी प्रोसेसिंग लास्ट वैल्यू क्या हो, फाइनल वैल्यू वापस अपने प्रोग्राम में आप रिटर्न कराना चाहते हो, तब तो इसमें रिटर्न स्टेटमेंट यूज कीजिएगा, नहीं आपको जरूरत है तो मत यूज कीजिएगा। अच्छा, जो आपका फंक्शन आपका रन कर रहा है अगर वो किसी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, मेन की वैल्यू पे, तो उस मेन से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करने पड़ेंगे। तो ये आपके ऊपर है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू पास कर रहे हैं उसका डेटा टाइप जो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट में जो डेटा टाइप दे रखा है दोनों मैच करने चाहिए, तभी वो आर्ग्यूमेंट जो एक्चुअल पैरामीटर है फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होंगे, अदरवाइज ऐसे एरर जनरेट कर देगा। तो सबसे पहले देखते हैं नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न। एक छोटा सा फंक्शन बना रखा है ऐड का हमने, यहाँ पे हमने 2 नंबर का सम लेना है। अब चूंकि इसे कोई नंबर हमने प्रोवाइड नहीं किया किसका सम लेना है, तो इस फंक्शन में खुद ही हम क्या करेंगे, 2 नंबर इनपुट लेंगे और उसी का सम करके डिस्प्ले करा देंगे। चूंकि हमें इस वैल्यू को हमें अपने प्रोग्राम में नहीं चाहिए, तो इस वजह से हम लोगों ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, वहीं पर लिया वहीं पर प्रोसेस किया, खत्म। यानी कि इस वैल्यू का यूज हम अपने प्रोग्राम में नहीं कर पाएंगे जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। दूसरा है आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न, यानी कि आर्ग्यूमेंट तो हम दे रहे हैं पर कोई रिटर्न नहीं दे रहे। जैसे हमें 2 नंबर का सबट्रैक्ट करना है, लेकिन सबट्रैक्ट किस बेसिस पे करना है, जो हम आज आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो वहां से एक्चुअल पैरामीटर में जो भी वैल्यू पास आएगी पहले वाली वैल्यू एक्स में जाके स्टोर हो जाएगी और दूसरी वैल्यू वाई में। अब हमने क्या किया, हमने चूंकि हमें रिटर्न नहीं करना तो यहीं पर हमने सी आउट करा दिया, तो एक्स एंड वाई को जब हम माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। और ये वैल्यू वापस प्रोग्राम में नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमने इसे वापस अपने प्रोग्राम में मांगी ही नहीं है, रिटर्न ही नहीं कराई। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका। ठीक, हमें प्राइम नंबर का एक प्रोग्राम बनाना है, यानी कि हमें ये पता लगाना है कि हम जो नंबर पास करेंगे वो प्राइम है कि नहीं, लेकिन अपने प्रोग्राम में हमें उसकी वैल्यू नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन वो जो प्राइम नंबर निकालना है वो हमारे जो नंबर प्रोवाइड करेंगे उसी के बेसिस पे निकालेगा। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ क्या किया, प्रोटोटाइप डिफाइन किया, यानी कि ये रिटर्न टाइप वाइड, हमें कुछ नहीं चाहिए, नेम ऑफ द फंक्शन, और इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, नंबर वो है किस टाइप का, INT टाइप का। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मेन फंक्शन में अगर आप पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे और उसके बाद मेन यूज करेंगे तो आपको प्रोटोटाइप देने की जरूरत नहीं है। प्रोटोटाइप आप कब यूज करेंगे, जब आप मान लीजिए फंक्शन यूज कर रहे हैं डेफिनेशन से पहले, तब आप हमेशा उसका प्रोटोटाइप डिफाइन करेंगे। यहाँ ध्यान रखिए, हमने प्रोटोटाइप इसलिए दिया कि इस मेन फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, इस प्राइम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। यही प्राइम फंक्शन अगर हमने मेन के पहले डिफाइन किया होता तो प्रोटोटाइप हमें नहीं देना पड़ता। अच्छा, यहाँ पे वो हमने नंबर इनपुट करा लिया मेन में, और मेन में इनपुट कराने के बाद इस प्राइम फंक्शन को कॉल कराया, क्योंकि हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली हम कॉलिंग कर देंगे और वो आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे जिसके बेसिस पे वो प्राइम नंबर फाइंड करेगा। अब देखते हैं, ये हमने प्राइम नंबर का फंक्शन बना हुआ है, तो कैसे प्राइम नंबर निकाला जाता है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और ये उसका कोड है। यानी कि जब भी इस प्राइम नंबर को मेन फंक्शन से कॉल किया जाएगा, देखिए बना हुआ है, तो जो वैल्यू वहां से कॉल कर रहे हैं वो जाके यहाँ, जब ये प्राइम नंबर प्राइम फंक्शन कॉल करेंगे तो जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो एक्चुअल पैरामीटर और ये क्या, फॉर्मल पैरामीटर, तो वो वैल्यू क्या होगी, इस एन में जाके स्टोर हो जाएगी। इस एन के बेसिस पे हमारा ये प्राइम नंबर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, ये यहीं पे बता देगा कि हमारा वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। यानी कि हमें ये वैल्यू, कोई भी उसकी वैल्यू हम वापस प्रोग्राम में रिटर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ वर्ड लगा रहा है, ठीक है। तो प्रोग्राम आपका प्राइम नंबर एग्जीक्यूट होगा फंक्शन, और किस बेसिस पे होगा, जो नंबर हम उसमें पास करेंगे, और वो बता देगा प्राइम नंबर है कि नहीं, और वापस कंट्रोल क्या होगा, उसके बाद वापस वहीं चला जाएगा जहाँ से वो कॉल हुआ है। जैसे प्राइम नंबर को कॉल कराने के बाद हमारा ये रिटर्न पे आ जाएगा कंट्रोल, और आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल था आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न का। आगे देखते हैं, अब क्या है, नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न। अब आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। से सपोज हमारे पास कोई नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो हम कोई नंबर नहीं पास कर रहे हैं, उसे अपने आप से ही वो नंबर इनपुट कराना होगा। तो ये देखिए, हमने दो नंबर इनपुट कराए हैं, और उसके बाद हमने क्या किया, वो चूंकि मल्टीप्लाई की जो वैल्यू है वापस हमें अपने प्रोग्राम में चाहिए, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया, और उसमें वो जो दो नंबर है उसका मल्टीप्लाई किया जो हमने यहाँ इनपुट लिया था। क्योंकि ये डबल टाइप का है, तो इसलिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिटर्न भी किस टाइप का हो जाएगा, डबल टाइप का। तो ये वैल्यू पास हो रही है वहाँ पे, तो ये भी हम रिटर्न टाइप क्या लेंगे, डबल टाइप का। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न। अब इसको देखिए, अब एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें कि वैल्यू हम पास कर रहे हैं, उस वैल्यू को प्रोसेस करने के बाद वापस हमें अपने प्रोग्राम में चाहिए। तो ये देखिए, आर्गुमेंट में वैल्यू हमारा ये फॉर्मल पैरामीटर है, ये डेफिनेशन है, इसमें जो आर्गुमेंट है वो फॉर्मल पैरामीटर कहलाएंगे। इस पर रिसीव हुई, उसके बेसिस पे इसने प्रोसेस किया और वैल्यू को क्या किया, रिटर्न स्टेटमेंट से रिटर्न कर दिया। क्योंकि ये वैल्यू डबल है तो इसलिए हमने इसका रिटर्न टाइप क्या कर रहे हैं, डबल ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद डबल डेटा टाइप जनरेट होगा। एग्जाम्पल, एक सीरीज है, सीरीज है x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x अपॉन 2 फैक्टोरियल, सीरीज का सम करना है, ठीक है। तो इस सम करने के लिए यानी कि हर टर्म में हमें क्या करना है, एक फैक्टोरियल निकालना है। तो अपने प्रोग्राम में अगर हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो बार बार हमें उसे यूज करना पड़ेगा, इससे बढ़िया हम फैक्टोरियल का एक अलग से फंक्शन बना लेंगे, और जब भी हम वैल्यू पास करेंगे 1, 2, वो क्या करेगा, उस फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ रिटर्न कर देगा। अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले एक फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बना लिया है, और जिसमें वो वैल्यू पास हो रही है कि किस बेसिस पे फैक्टोरियल निकालेगा, और जो फैक्टोरियल निकालेगा उसकी वैल्यू एक रिटर्न करेगा। ये मेन फंक्शन बनाया हमने, जिसमें चूंकि x अपॉन 1 फैक्टोरियल यानी कि x की वैल्यू हमने यहाँ ले ली x, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने चाहिए, ठीक है, और सम करना है, उसके लिए एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, इनपुट लिया x में, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स, और उसके बाद हमने फॉर लूप चलाया, कहां से कहां तक, जहां तक हमें सम करना है 1 से लेकर उस टर्म तक। अच्छा ये देखिए सम क्या है, x अपॉन 1 फैक्टोरियल x अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि इस i की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये फैक्टोरियल का कॉलिंग की है कि जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो यहाँ पे वापस रिटर्न होके आएगी। तो x अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू, x अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू। अच्छा यहाँ पे ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है तो नेम ऑफ द फंक्शन पास करेंगे, क्योंकि उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है तो हमें वो आर्ग्यूमेंट क्या यहाँ पास कर रहे हैं, आई की वैल्यू, क्योंकि पहले टर्म के लिए आई की वैल्यू 1 होगी यानी कि 1 फैक्टोरियल, दूसरे टर्म के लिए आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 फैक्टोरियल, और ये जो ये पैरामीटर क्या कहलाएगा, एक्चुअल पैरामीटर। अच्छा वो वैल्यू वहाँ से रिटर्न कर रहा है तो जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो एक्स से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमने जो सम कराया उसको डिस्प्ले करा लिया। अब हम देखते हैं सेक्टोरियल फंक्शन को, इसकी डेफिनेशन सिंपली है कि अगर कोई फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का तो हम एक एक करके माइनस करके उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे प्रीवियस नंबर से, तो हमारा फैक्टोरियल निकल आएगा। तो देखिए ये रिटर्न टाइप है, ये नेम ऑफ द फंक्शन है और ये इसके आर्ग्यूमेंट है, दैट इज द फॉर्मल पैरामीटर। वहाँ से जो भी वैल्यू पास करेंगे वो ए में जाके स्टोर हो जाएगी और उसके बेसिस पर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से ए तक चलेगा और हर वैल्यू को क्या करेगा, प्रीवियस वैल्यू से मल्टीप्लाई करता जाएगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट करेंगे अप टू दैट नंबर तक और उसके बाद जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी वो हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे इस रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू। और ये जो क्या हो रहा है, ये फैक्ट है आईएनटी टाइप का, तो ये जो हमने यहाँ रिटर्न कर रहा है आईएनटी टाइप का, तो इसलिए रिटर्न टाइप इसका क्या हो गया, आईएनटी। ये कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग्स हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी हो तो थैंक यू। हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे इसको कैसे परफॉर्म करना है।